सो आप लोग दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले द कपिल शर्मा शो और द कश्मीर फाइल्स के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है। तो इतने दिनों से हो क्या रहा था कि एक साइड से रिप्लाई आ रहा था और एक ही साइड के लोग मतलब कि बिनाम पे रिएक्ट कर रहे थे और द कपिल शर्मा पे जो बैकआउट चल रहा था। उसके बाद में आज के दिन द टाइम्स ऑफ इंडिया पे जो मतलब मीडिया के सामने में अनुपम खेर सर ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद में क्या मतलब कि दोनों पे छवि पे फर्क पड़ा है, दोनों साइड से जो रिएक्ट इक्वल हुआ है उसके बारे में हम टोटल बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और नेक्स्ट कोई भी मूवीज़ के अपडेट्स रिव्यूज के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। अब बात करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ क्या था। तो कपिल शर्मा शो आप लोगों को पता होगा एक फेमस शो है जिसपे सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी अपने फिल्म की प्रमोशन के लिए आते हैं। पर हुआ क्या कि द कश्मीर फाइल्स जब नहीं प्रमोट की गई उस पर तो इतने सारे वंडर हुए। उसके बाद विवेक अग्निहोत्री जी ने एक ट्वीट किया कि जिसके अनुसार कि हमने अपने तरफ से कोशिश की थी द कपिल शर्मा शो में अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए, मगर कहीं ना कहीं द कपिल शर्मा शो ने उसे मतलब रिजेक्ट कर दिया कि हम इस मूवी को नहीं करने वाले हैं प्रमोट क्योंकि इसमें कोई बड़ी स्टारकास्ट नहीं है। उसके बाद में काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, काफ़ी सारे लोग हैशटैग बायकॉट द कपिल शर्मा शो इस टाइप की चलने लगी कि ऐसे मतलब कि फेमस स्टार को भी प्रमोट करेंगे, इस टाइप की मतलब कि बायकॉट चलने लगी। उसके बाद कपिल शर्मा ने ट्वीट के अनुसार एक स्टेटमेंट जारी किया जिसके अनुसार उन्होंने कहा कि आप लोग एक साइड की स्टेटमेंट पे पूरी मतलब की स्टोरी को जज कर रहे हो और ऐसा कहीं भी नहीं। और मैं ये भी बता रहा हूँ जिनको नहीं समझना है, मैं उनको समझाना नहीं चाहता, पर फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग दूसरे साइड को जानते नहीं हुए पूरी स्टोरी को जज ना करें। उसके बाद में कुछ समय बाद में फिर इतनी सारी बायकॉटेशन चलने चालू हो गई, द कपिल शर्मा शो हैशटैग बायकॉट क्या क्या नहीं चला। फिर फाइनली द टाइम्स ऑफ इंडिया पे कल मीडिया पे जब उनकी कॉन्फ्रेंस की गई मूवी के बारे में, उन्होंने साफ साफ बताया, उन्होंने कहा कि 2 महीने पहले ही द कपिल शर्मा शो पे प्रमोशन के लिए उनकी बात हो चुकी थी, पर अनुपम सर ने ही ये मना किया था कि हम लोग की मूवी इतने इंटेंस और इतनी जो गंभीर मूवी है, इस मूवी को हम फनी वे पे कहीं भी प्रमोट नहीं करना चाहते हैं कि हम लोगों के सामने में वो इंट्रैक्ट ना हो कि वो फनी इंसिडेंट टाइप से लगे। इसीलिए वो उन्होंने ये कहा कि हम इस फिल्म को द कपिल शर्मा शो में प्रमोट नहीं करें और कहीं भी ऐसा नहीं है कि उस फिल्म को प्रमोट ना करने पे मतलब कि कपिल शर्मा की कोई मतलब इस पर कॉन्ट्रोवर्सी है या कुछ की गई है। यहाँ पर जो भी है वो विवेक अग्निहोत्री की जिसे की गई है इस फिल्म को कॉन्ट्रोवर्सी और हाइप बनाने के लिए, मूवी द कश्मीर फाइल्स को कॉन्ट्रोवर्सी और हाइप बनाने के लिए विवेक अग्निहोत्री जी ने इसे ट्वीट किया था इस प्रकार से कि कहीं ना कहीं अपनी फिल्म को द कपिल शर्मा शो पर अगर ना जाए तो कहीं ना कहीं उसका नाम यूज करके किस मूवी को किस प्रकार से हम हाइप बना सकें। बाकी किसी तरह की मूवी के अपडेट रिव्यूज और किसी तरह की अपडेट आती है मूवीज के तो मेरे चैनल पर जरूर बने रहेगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। बने रहेगा दोस्तों मेरे चैनल पर। बाय बाय।